दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के 36वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 20 मई 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टूट खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 का पोस्टपोन होना अब लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा भी 5-6 बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही ज्यादा चल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना पैंडेमिक के चलते आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 को डेफिनेटली पोस्टपोन किया जाएगा। आईसीसी के बहुत सारे अधिकारी ऐसा दावा भी कर चुके इस टूर्नामेंट को डेफिनेटली पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन अभी तक आईसीसी की इस फैसले के ऊपर मुहर नहीं लगी है। 28 मई को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 को लेकर आईसीसी की मीटिंग होने वाली है, जहां पर हमें आईसीसी की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2020 पर फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है। अगर पोस्टपोन किया जाता है तो यहां पर अभी तक जो रिपोर्ट उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 4-5 महीने पोस्टपोन किया जाएगा, जिसके चलते फरवरी मार्च 2021 में हमें यह टी20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है विंसी टी10 लीग को लेकर। जी हां, 22 मई से विंसी टी10 लीग की शुरुआत होने वाली है, भारत में भी सीरीज की टेलीकास्टिंग होने वाली है। ड्रीम 11 इस सीरीज को प्रमोट कर रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के अंडर यह सीरीज आती है और वेस्ट इंडीज के काफी सारे बड़े बड़े नामी खिलाड़ी इस सीरीज में खेलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर और कहीं ना कहीं आईपीएल फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो ये है कि आईपीएल 2020 की शुरुआत हमें जल्द ही बिना ऑडियंस के क्लोज डोर स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाली है। भारत सरकार ने भी स्टेडियम्स को खोल दिया है। बीसीसीआई के काफी सारे अधिकारियों ने अभी दावा किया कि यहां पर बीसीसीआई आईपीएल 2020 को क्लोज डोर स्टेडियम्स में होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी तो आईपीएल 2020 के ऊपर हमें बीसीसीआई की तरफ से बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी के नए रूल को लेकर और सलाइवा को, यानी जो लार यूज करते थे गेंद को चमकाने के लिए, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब स्वेट यानी पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं गेंद को चमकाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी निकल कर आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर। जी हां, लंबे लॉकडाउन के बाद स्टेडियम खोलने की अनुमति मिलने पर बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को लेकर प्रतिक्रिया आई है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि आईपीएल आयोजन के लिए फिलहाल सोचना सही नहीं है, आईपीएल के लिए खिलाड़ियों के ट्रेवल के साधन भी अभी नहीं खुले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से। जी हां, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तेज गेंदबाजी के सामने टीम की बल्लेबाजी में सुधार को लेकर प्रतिक्रिया दी है। विराट कोहली ने थ्रो आउट विशेषज्ञ डी राघवेंद्र के साथ टीम के अभ्यास को इसका श्रेय दिया है। साइड आर्म में आने वाली गेंद के सामने खेलते हुए भारतीय टीम के अभ्यास को विराट कोहली ने सुधार के लिए जिम्मेदार माना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने पहले दोहरे शतक के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की अहम सलाह को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि धोनी ने उस मैदान पर उनसे बड़ी बात कही थी। रविचंद्रन अश्विन के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों पर लगाए गए अपने दोहरे शतक के बारे में खुलकर बातचीत की। आप इस पूरी चैट को उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है उमर अकमल की तरफ से। जी हां, पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने खुद पर लगे 3 साल के बैन के खिलाफ औपचारिक अपील की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें अमर अकमल को फिक्सिंग की जानकारी छुपाने के आरोप में सस्पेंड किया है। इसके बाद उमर अकमल के भाई कैमरान अकमल ने इस कार्रवाई को काफी ज्यादा बड़ा बताते हुए सजा से नाखुशी जताई थी। तो दोस्तों ये है आज 20 मई 2020 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.